बात महाराष्ट्र की कोल्हापुर में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने का मामला कई दिन से सुर्खियों में है। महाविकास अघाड़ी से लेकर केंद्र सरकार पर हमलावर है, प्रधानमंत्री से माफी की मांग हो रही है। एमवीए ने आज मुंबई में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पालघर पहुंचे तो उन्होंने सार्वजनिक तौर पर माफी भी मांगी, लेकिन प्रधानमंत्री ने इसी मौके पर वीर सावरकर का जिक्र कर विपक्ष का पूरा गेम पलट दिया। मुंबई में प्रधानमंत्री मोदी के दौरे का विरोध करते हुए कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। मुंबई में कई जगहों पर ऐसा बवाल हुआ। पीएम मोदी के दौरे के विरोध में कांग्रेस के अल्टीमेटम की वजह से मुंबई में सख्त सुरक्षा थी, चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगाह थी। पीएम मोदी के कार्यक्रम की जगह जियो कन्वेंशन सेंटर की तरफ जाने वाले हर रास्ते पर पहरा था। बावजूद इसके कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। उनके हाथ में काले झंडे थे और जुबान पर थे नारे। मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष और सांसद वर्षा गायकवाड़ ने यह अल्टीमेटम दिया था। दो टूक कहा था कि पीएम मोदी महाराष्ट्र आने से पहले मालवण में शिवाजी की मूर्ति टूटने को लेकर पहले माफी मांगे। पहले तो आप महाराष्ट्र और मुंबई की जाहिर माफी मांगिए, फिर ही आप महाराष्ट्र में आइए। इसके साथ ही रात में कांग्रेस ने पूरी मुंबई में पोस्टर लगाए। पोस्टर पीएम मोदी के दौरे के विरोध में थे। इन पर लिखा था, माफी मांगो मोदी, मोदी सरकार ने शिवाजी की मूर्ति गिराई, मोदी सरकार महाराष्ट्र द्रोही है। इसके बाद मुंबई पुलिस ने एहतियातन वर्षा गायकवाड़ को नजरबंद कर दिया। घर पर सुबह से ही सख्त पहरा लगा दिया गया। पुलिस घर के भीतर तक पहुंच गई। इस दौरान जमकर बहस भी हुई। खासदार आहेत त्या निवडून आलेल्या, तुम्ही कशा पद्धतीने वागवता मला काही कळत नाही। मी काय गुन्हा केला की मला एवढा हाऊस अरेस्ट केला? वर्षा गायकवाड़ अकेली नहीं थी। पूरी मुंबई में कांग्रेस नेताओं की धरपकड़ शुरू हो गई। पुलिस ने कांग्रेस नेता नसीम खान के दफ्तर के बाहर पहरा लगा दिया, उन्हें दफ्तर पर रोका। पार्टी नेता और विधायक असलम शेख को पुलिस ने थाने में बिठा दिया। कांग्रेस विधायक अमीन पटेल भी पुलिस के घेरे में दिखे। यानी मुंबई में हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा। पुलिस ने बाद में तेवर कुछ नरम किए। वर्षा गायकवाड़ को हिरासत में लेकर शिवाजी पार्क में ले जाकर छोड़ा, जहाँ वो सिर पर शिवाजी की मूर्ति लिए नजर आई। इन सब के बीच पीएम मोदी ने मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट को संबोधित किया। मुंबई के बाद प्रधानमंत्री 130 किलोमीटर दूर पालघर पहुंचे, जहां 76,000 करोड़ की लागत से बनाए जाने वाली बंदरगाह परियोजना की नींव रखी। और इसी दौरान जनता के सामने प्रधानमंत्री मोदी ने सिंधुदुर्ग में शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने की घटना पर माफी मांगी। इस धरती पर आते ही आज मैंने पहला काम मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज में उनके चरणों में सर झुका करके क्षमा मांगने का कर रहा हूँ। जो जो लोग छत्रपति शिवाजी महाराज को अपने आराध्य देव मानते हैं, उनके दिल को जो गहरी चोट पहुंची है, मैं उनकी भी सर झुका करके क्षमा मांगता हूँ। सिंधु दुर्ग में शिवाजी की मूर्ति गिरी तो प्रधानमंत्री ने माफी मांग ली, लेकिन सवाल यह है कि मूर्ति किसकी वजह से गिरी। इस मामले में दर्ज एफआईआर में दो लोगों के नाम है। पहला है मूर्तिकार जिसका नाम जयदीप आप्टे है, दूसरा है स्ट्रक्चर कंसल्टेंट चेतन पाटिल। इन दोनों के खिलाफ पुलिस का एक्शन शुरू है। चेतन पाटिल कोल्हापुर पुलिस की हिरासत में है। उसे रात के 3 बजे पकड़ा गया, जबकि मूर्तिकार जयदीप आप्टे फरार है। मूर्ति के स्ट्रक्चर कंसल्टेंट चेतन पाटिल ने अपनी सफाई में कहा कि उसका मूर्ति से लेना देना नहीं था, उसने सिर्फ प्लेटफॉर्म डिजाइन किया था। इस बीच महाराष्ट्र कला निदेशालय के डायरेक्टर ने एक सनसनीखेज दावा किया। उनका कहना है कि 6 फीट की मूर्ति बनाने की अनुमति दी गई थी, 35 फीट की मूर्ति बना दी गई। मूर्ति की ऊंचाई 6 फीट से बढ़ाकर 35 फीट करने से पहले बताया तक नहीं गया। उनका यह भी कहना है कि मूर्ति बनाने से पहले मिट्टी का मॉडल दिखाया गया था, लेकिन इसमें स्टील प्लेट भी इस्तेमाल की गई। इस बीच मूर्तिकार जयदीप आप्टे को लेकर कई तरह के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। पहला आरोप यह है कि आप्टे को ऊंची मूर्ति बनाने का कोई अनुभव
नहीं था। आपने इससे पहले सिर्फ 2.5 फीट ऊंची मूर्ति बनाई थी। आरोप यह भी लगाया जा रहा है कि जयदीप आपटे श्रीकांत शिंदे का करीबी था, इसलिए उसे यह काम भी मिला। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।